गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बात करेंगे, जनरल नॉलेज के ऊपर। ठीक है, सेशन हम कवर कर रहे हैं चैप्टर और ग्रोथ फॉरएवर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज हम लोगों के लिए सामान्य ज्ञान, और जिससे काफी ज्यादा नॉलेज हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं हम लोग इसके अंतर्गत। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बात कर रहे हैं एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में। चलिए आगे देखते हैं एनिमल्स, आखिर इनका नाम है क्यों लिख रहा हूँ। एनिमल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, ठीक है, इनके स्पीशीज, ठीक है, इट मीन्स की प्रजाति जाति, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स के जाति प्रजाति हमें जंगलों में मिलते हुए दिखेंगे। आगे अगर बात करें तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है, एनवायरमेंट में ये लोग एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ये लुप्त हो रहे हैं करीबन 99.9%। ठीक है, करीबन 99.9% जो एनिमल्स बर्ड्स की जो स्पीसीज है वो खत्म हो चुके हैं इस धरती पर से। और काफी इंपॉर्टेंट है कि इनको एनवायरमेंट में रखकर इकोसिस्टम में जो भी नेचुरल है, नेचर का जो भी देना, ठीक है, तो उनमें उनको संयम बनाने के लिए, ठीक है, एक साइकिल बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनको बचाया जाए। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें आखिर स्टिंग का प्रॉब्लम क्या है, आखिर लोग लुप्त क्यों हो रहे हैं, एनिमल्स बर्ड्स क्यों लुप्त हो रहे, तो सबसे पहला जो पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्लाइमेट। क्लाइमेट की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ह्यूमन पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। जिस टाइम बारिश होती है उस टाइम बारिश की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, साउथ ईस्ट की बात करें, बहुत जगह ऐसे हैं जहां पर लोअर क्रिएट हो रहा है, पानी की कॉलोनी आती है तो बर्ड्स माइग्रेट कर जाते हैं, एनिमल्स माइग्रेट कर जाते हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और उसके उपलक्ष्य उनकी मौत हो जाती है। आगे बात करें दूसरा क्या है, तो ह्यूमन्स की बात करें, ह्यूमन के अंदर अगर हम लोग बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज की, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या ऐसे मुद्दे हैं जो बर्ड्स और एनिमल्स को एक्सटिंक्ट, ठीक है, खत्म होने पे मजबूर करते हैं। ठीक है, कुछ बर्ड्स एग्जांपल्स, एनिमल्स एग्जांपल्स में दे दूं। ठीक है, डोडो की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट सांसद डायनासोर, आप सबको पता ही होगा, ठीक है, डायनासोर के बारे में पता ही होगा। ठीक है, ये काफी ऐसे प्रमुख प्रजातियां थी एनिमल्स की जो विलुप्त हो चुके हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज की चर्चा करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज में आखिर क्या हो सकता है जिसकी वजह से, सबसे पहला हम हंटिंग की बात करें, ठीक है, हंटिंग कह सकते हैं, पोचिंग कह सकते हैं आप लोग, तो जो शिकार किए जाते थे, अगर सीधी सी बात करें पहले के जमाने की राजा महाराजा जो होते थे हंटिंग पर पैसे बना के रखते थे, काफी ज्यादा धन में शिकार करते थे, करीबन लाखों लाख टाइगर्स लायंस जेब्रा डियर सबको मार दिया करते थे, और आज वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। सीधी सी बात करें तो हंटिंग, दूसरी तरफ क्या बात करें कि जो एलिफेंट है उनका जो टस्क होता है, लॉन्ग टस्क होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इवन टाइगर का जो स्किन होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, डियर है उसका स्किन कलर इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, बहुत गलत गलत जगह इस्तेमाल होता है, तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इनके विलुप्त होने का ये सबसे मुख्य कारण है। आगे थोड़ा सा और चर्चा करें हम लोग यहाँ पे, तो डिफोरेस्टेशन, ठीक है, अभी ये डिफोरेस्टेशन क्यों हुआ, ठीक है, अगर सीधी सी बात करें तो कटिंग बाउंड्री दैट इज फॉर डिफोरेस्टेशन। इंसानों ने क्या किया, अपने रहने योग्य जगह उन्होंने ढूंढा, जिनकी वजह से उन्होंने क्या किया, डिफोरेस्टेशन करना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट कट करना शुरू कर दिया, और जो जंगलों में भर थे उनको खत्म कर दिया, इवन यूजिंग वुड, ठीक है, लकड़ी का इस्तेमाल करने के लिए और बहुत सारा इस्तेमाल करने के लिए जिंदगी में उन्होंने फॉरेस्ट को खत्म कर दिया। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट था जो आज के डेट में इंसान क्या कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक्सटिंक्ट एनिमल्स के जो मुख्य कारण थे ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, उनके बारे में हमने जाना था। चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे देख लेते हैं किस किस प्रकार के जानवर सब हैं जो लुप्त हो चुके हैं। चलिए इनके बारे में जानते हैं हम, ठीक है, इनके बारे में अगर सीधे से हम लोग बात करें तो ज्यादा ये लुप्त हो चुके हैं। इनको हम लोग स्मिलो, ठीक है, स्मिलो डॉन कह सकते हैं। तो नॉर्मली ये हमेशा होते हैं लायन, टाइगर एंड बियर, जिनके वजह से इनको स्मिलोडॉन कहा जाता है। आगे साथ साथ बात करें
कार्निवोर होते हैं, मांसाहारी होते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो पावरफुल लिंब्स होते हैं, इनके जो शरीर होते हैं काफी पावरफुल होते हैं, साथ 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 काफी तेज कैलाइन, ठीक है, दांत की चर्चा कर सकते हैं, काफी साफ होते हैं जो ये हंट करने में मदद करते हैं। आगे थोड़ी समय बात कर ले यहाँ पे, तो नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि जो इनका जो हंटिंग करने का तरीका है, जो स्लो मूविंग एनिमल होते हैं, स्लो मूविंग एनिमल धीरे धीरे, जो जानवर धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है, उनका ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं, शिकार किया करते थे। तो ये सभी छोटे टाइगर के बारे में था। आगे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो आइरिस एल्क और साथ साथ तास्मानियन टाइगर के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में हम लोग। ये कुछ प्रमुख स्पीसीज हैं एनिमल्स के जिनके बारे में जानना है। तो ये कुछ सभी छोटे टाइगर के बारे में था। उस
उसके बारे में आप लोग ग्रुप में डिस्कस करें और उनके ऊपर जो क्वेश्चन दिए हैं उनको आप बनाएं। कुछ और जानकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।